भारत सरकार से संबंधित या मध्य प्रदेश से संबंधित, आप कोई भी परीक्षा दें, चाहे वो पुलिस से संबंधित हो, चाहे वो शिक्षा विभाग से संबंधित हो, या पटवारी, कुछ भी हो, संधि समास ये तो आते ही आते हैं। संधियां वैसे बहुत सरल सब्जेक्ट हैं, अगर अच्छे से इसे समझा जाए तो। आइए अपन संधि पर फोकस करते हैं। वैसे संधि तीन प्रकार की है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम स्वर संधि का पहला भेद ले रहे हैं, दीर्घ संधि। कोई भी संधि पढ़ेंगे उसमें तीन नियम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, नंबर 1, 2 और 3। कोई भी संधि होगी, तीन नियम तो होंगे ही होंगे। वो तीन नियम कैसे लागू होते हैं देखते हैं। संधि होती कहाँ है? संधि वहां होती है जहां दो शब्द हों, दो शब्द हों। अब इन दो शब्द को मान लो, ये दो शब्द हैं, एक शब्द है विद्या, दूसरा शब्द है आलय, ये दो शब्द हैं। तो इन दो शब्दों में संधि होगी। अब तीन नियम इनमें कैसे लागू होंगे? तो पहला नियम आता है कि पहले शब्द के अंत में क्या है ये आपको ध्यान रखना होगा, तो ये होगी पहला नियम। दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या है ये आपको ध्यान रखना होगा, ये होगा आपका दूसरा नियम। और तीसरा नियम होगा कि इन दोनों को मिला के क्या बनाना है, ये होता है आपका तीसरा नियम। ये तीन नियम आपने समझ लिए, संधि कोई भी हो आपसे बन जाएगी। आज आप हम लोग सब समझ रहे हैं दीर्घ संधि। तो इन दीर्घ संधि में सबसे पहले देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है और इसके तीन नियम कैसे लागू होते हैं। तो इसकी परिभाषा में नॉर्मल सी बात है, संस्कृत में या हिंदी में ये लागू होगी, अकार सवर्णे दीर्घा। ये बड़ा प्यारा सूत्र है और बड़ा सरल है। यहां पर अकह का मतलब क्या है? अकह मतलब है आ, ए, उ और रि। ये चार स्वर हैं। अगर आपको संधि सीखना है दीर्घ संधि, तो इन चार स्वरों का ज्ञान होना चाहिए। मैंने कहा था कोई भी संधि पढ़ेंगे तीन नियम होते हैं उसके। इसका पहला नियम है कि पहले शब्द के अंत में, पहले शब्द के अंत में या तो आ हो या ई हो या उ हो या फिर रि हो। एक और बात, ये आ बड़ा भी हो सकता है, ई बड़ी भी हो सकती है, उ बड़ा हो सकता है, रि बड़ा को अपन दीर्घ कहते हैं, सरल भाषा नॉर्मली अपन बड़ा बोल देते हैं। पहले शब्द के अंत में इनमें से कोई भी एक हो, धन दूसरी तरफ, दूसरे शब्द के प्रारंभ में। तो ये कहते हैं पहले शब्द के अंत में तो अख हो मतलब ये, दूसरे शब्द के प्रारंभ में सवर्ण मतलब समान वर्ण, अर्थात जो वर्ण इसके अंत में है वही वर्ण इसके प्रारंभ में हो, दो नियम हो गए। अब तीसरा नियम इसका ये है कि जब ये कंडीशन लागू हो जाए, ये हो जाए, तो कहा जो वर्ण होगा वही वाला इसको दीर्घ बना देंगे। जैसे उदाहरण से देखते हैं, एक शब्द हमने लिखा पुस्तक, क्या लिखा पुस्तक। पुस्तक के अंत में वैसे तो आपको का दिख रहा है, परंतु जब कोई मात्रा अंत में ना हो तो इसके अंत में माना जाएगा छोटा आ, लघु आ। दूसरी तरफ प्रारंभ में क्या है, मान लो हमने लिखा आलय, तो इसके प्रारंभ में क्या है आ, दोनों तरफ आ है। पहला नियम देखा हमने आ ई उ री में से कोई तो आ अंत में है, दूसरा नियम समान वर्ण होना चाहिए तो इस तरफ भी प्रारंभ में आ है। जब दो नियम लागू हो जाए तो तीसरा नियम लागू करेंगे। तो तीसरा नियम बताता है कि इन दोनों को मिलाकर के दीर्घ बनाना है। इन दोनों को मिलाया बराबर एक दीर्घ बना दिया अपन ने, ये हो गया। अब देखते हैं तीसरा नियम और अच्छे से लागू करते हैं। पुस्तक का आले लिया था तो का आधा बचा, आलय का अपन ने आले लिया था तो लय अकेला बचा। अभी आ और ये मिलाकर बड़ा बनाया, ये बड़ा अपन ने यहां लिखा, तो ये क्या बन गया पुस्तक का लय। बड़ा सरल है। कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि पहले शब्द के अंत में आ ई उ री, इन चार में से कोई एक होना चाहिए। दूसरी तरफ दूसरे शब्द के प्रारंभ में जो इसके अंत में वही इसके प्रारंभ में होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण और देखते हैं, मान लो पहले शब्द के अंत में उ है, पहले शब्द के अंत में क्या है उ, जैसे हमने लिखा एक शब्द भानु, भानु के अंत में क्या है उ, दूसरी तरफ हमने लिखा उदय, तो इस तरफ भी उ और इस तरफ भी उ, अख वो यहां पर आ ही रहा है, सवर्ण मतलब वो इस तरफ भी है। इन दोनों को मिलाकर क्या बनाना है बड़ा उ। मिलाना है तो हमने उ ले लिया, नाद आधा बचा, उदय का उ ले लिया, दय अकेला बचा, उ वापिस किया, टोटल अब इनको मिलाइए तो बनेगा भानु दय। ऐसे करके ये संधि होगी। ऐसे ई का लेना है, शर्त ये है कि इस शब्द के अर्थात पहले शब्द के अंत में जो है
वही दूसरे शब्द के प्रारंभ में होना चाहिए। ऐसा होने पर तीसरा नियम अपने आप लागू होगा कि इन दोनों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर बना देंगे तो दीर्घ संधि हो जाएगी। अब मेरा अपने छात्रों से ये कहना है कि री का और ई का उदाहरण आप लोग नीचे कमेंट में लिखकर बताएं। धन्यवाद।